बीते कुछ मुकाबलों में जहां पर फील्डिंग पर उठ रहे थे भारतीय टीम की सवाल, अब कर दिया है उसी पर थोड़ा सा यहां पर बवाल। वेंकटेश अय्यर ने किस तरह से क्या कुछ हुआ है बताने के लिए मैं सारांश जुड़ा हूं आपके साथ क्रिकेट इन इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत है आपको। बताना चाहूंगा कि धर्मशाला में खेला जा रहा है दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला इंडिया वर्सेस श्रीलंका, जिसमें अच्छी बल्लेबाजी करते हुए वहां पर दिखाई पड़ रहे थे ओपनिंग जो बल्लेबाज आए थे वहां पर बल्लेबाजी करने के लिए, चाहे अगर जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी रही हो या फिर भुवनेश्वर की गेंदबाजी रही हो, अच्छी गेंदबाजी की बट सब कुछ झेल गए और उसके बाद रन बनाने जो है वहां पर शुरू कर दिए थे ओपनिंग बल्लेबाजों ने, जिसको तोड़ने का वहां पर काम किया है रोहित शर्मा और मिलकर रविंद्र जडेजा ने। कुछ स्ट्रैटेजी बनाते हुए दिखाई दिए दोनों, कुछ गेंदों पहले जब जडेजा अपना ओवर शुरू कर रहे थे तभी ये स्ट्रैटेजी बनाते हुए दिखाई दिए थे, अपना नवा ओवर जो है डालने आए थे पारी का यहाँ पे रविंद्र जडेजा। बताना चाहूंगा आपको कि उसी ओवर की शुरुआत जो एक छक्के के साथ हुई, उसकी अगली बॉल पर एक चौका पड़ा वहां पर रविंद्र जडेजा को और फिर एक जोरदार सिक्स और लगा रविंद्र जडेजा को। ऐसे में लग रहा था कि पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया है रविंद्र जडेजा, जो है प्रेशर में आ जाएंगे, शायद वाइड गेंदे फेंकेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। काफी बड़ा दिलेर खिलाड़ी ये साबित हुआ है और एक जाल वहां पर बिछाया था धनुष का गुना थिलका के लिए, वहां पर एक जाल बिछाया था जिस जाल में फंसते हुए दिखाई दिए हैं। एक बॉल वहां पर उन्हें डाली गई और आमंत्रित किया गया एक बड़ा शॉट खेलने के लिए और वहां पर शॉट खेला भी बल्लेबाज ने, पर वो शॉट जो है सीमा रेखा के पार तो नहीं जा पाया और वेंकटेश अय्यर ने एक जबरदस्त डाइविंग एफर्ट वहां पर दिया और आगे की तरफ डाइव करते हुए इस कैच को वहां पर फिनिश किया। अगर वेंकटेश अय्यर की बात की जाए तो बीते कुछ मुकाबले उनके लिए बहुत अच्छे घटे हैं एक बल्लेबाज और एक गेंदबाज की हैसियत से, पर फील्डिंग पर उनके ऊपर हमेशा सवाल उठते रहे हैं और कई बार ये भी कहा गया कि हार्दिक पांड्या की तरह फील्डिंग नहीं कर पाते हैं वेंकटेश अय्यर, चाहे गेंदबाजी और बल्लेबाजी हार्दिक पांड्या की तरह यहां पर कर रहे हैं और रिप्लेसमेंट बन रहे हैं हार्दिक पांड्या के। और इस बार जो अपने आगे ये सवाल जो था क्वेश्चन मार्क जो था उसे हटा दिया है यहां पर वेंकटेश अय्यर ने एक जबरदस्त डाइविंग एफर्ट के साथ में यहां पे। तो आपके हिसाब से कितने मार्क्स आप देना चाहेंगे इस डाइविंग एफर्ट को वेंकटेश अय्यर के, और क्या आप मानते हैं वेंकटेश अय्यर को हार्दिक पांड्या का एक बढ़िया विकल्प? तो फिर अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर साझा कीजिएगा और ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना है आपको, साथ ही बेल आइकन दबाना है। मेरा नाम है सारांश, क्रिकेट इन इंडिया के इस यूट्यूब चैनल से शुक्रिया।